हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडियन टेक गुरुकुल में। आज की वीडियो में दोस्तों हम बेसिकली कंपैरिजन करने वाले हैं दो यहां पर टैबलेट्स के बारे में, जो कि दोनों की दोनों 5G टैबलेट्स यहां पर आपको देखने को मिल जाती हैं। लेकिन इनमें कई बार काफ़ी डिफरेंस होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिनोवो की बाई करें या फिर सैमसंग की A9 Plus ले लें, जो कि 5G के साथ यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन उसके लिए कई बार आपको थोड़ी जेब से पैसे ज़्यादा निकालने पड़ते हैं। तो जानेंगे इस वीडियो में क्या ये वर्थ है या फिर आपको लिनोवो की तरफ जाना चाहिए। सो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि सैमसंग गैलेक्सी A9 Plus टैबलेट और यहाँ पर लिनोवो टैब M10 5G के बीच में कंपेरिजन हो रही है। सो यहाँ पर आप सारी चीज़ें ध्यान से देखते रहिएगा और फिर आप जज कर सकते हो इस तरीके से, बाकी कंक्लूजन तो आपको मिलेगा ही। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं A9 Plus की डिस्प्ले से। सो यहाँ पर आपको 11 इंचेस की एक 2K डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। अब दोस्तों ये जो डिस्प्ले है वो आपको TFT देखने को मिल जाती है। TFT का मतलब होता है कि जो इसकी एक तरह से क्वालिटी आप समझ सकते हो, अलग अलग यहाँ पर क्वालिटीज़ की या फिर अलग अलग टेक्नोलॉजी, वर्ड सही रहेगा, तो अलग अलग टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ होती है, तो TFT टेक्नोलॉजी के साथ है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, समटाइम्स कलर्स आर मतलब थोड़े बहुत डल देखने को मिल जाते हैं। अगर आप साइड बाई साइड रखोगे ना तब दो टैबलेट्स, तब आपको ये चीज़ पता चलेगी। नॉर्मली तो आपको मतलब अगर आप यूज़ करोगे तो ऐसे कोई डिफरेंस डे टू डे में आपको नहीं पता चलेगा कि यार कलर्स अजीब से दिख रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, आपको अच्छे ही दिखेंगे। लेकिन मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ कि बेस्ट नहीं है। तो यहाँ पर बाकी बात करूँ यहाँ पर लिनोवो टैब M10 5G की, तो यहाँ पर आपको 10.61 इंच की यहाँ पर डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि एक 2K डिस्प्ले है और यहाँ पर भी आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। सो यार दोस्तों दोनों ही टैबलेट्स में आपको जो स्मूथनेस देखने को मिलेगी ना, ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सिमिलर देखने को मिल जाएगी। लाइक आप इधर उधर स्वाइप करते हो ना अपनी टैबलेट में, तो वैसे जब स्मूथनेस देखने को मिलेगी तो बिल्कुल सिमिलर देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर ब्राइटनेस वगैरह भी सिमिलर होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो लिनोवो की डिस्प्ले है वो आपको IPS टेक्नोलॉजी के साथ आती है, तो जो कलर्स की एक्यूरेसी होगी, जो कलर्स एक निखर कर आते हैं, वो सारे कहीं ना कहीं आपको लिनोवो वाली टैबलेट में देखने को मिल जाएगी। लेकिन डिसएडवांटेज ये कि हल्की सी छोटी यहाँ पर है इसकी कंपैरिजन में, जैसे 11 इंच का डायगोनल में, ये 10.61 इंच की है, तो बहुत ज़्यादा मेजर भी नहीं है। लेकिन मैं अगर कि मेरे को एक चूज़ करना हो तो भाई मैं तो लिनोवो वाले ही चूज़ करूँगा। इसके अलावा दोस्तों पढ़ते हैं अगली स्पेसिफिकेशन की तरफ। तो यहाँ पर बात करते हैं A9 Plus के प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 695 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वहीं दोस्तों लिनोवो टैब M10 5G के अंदर भी आपको स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 695 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। सेम प्रोसेसर है, क्या ही डिफरेंस होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, प्रोसेसर बिल्कुल सेम है डेफिनेटली। परफॉर्मेंस में भी जो डिफरेंस होगा वो 18-20 का डिफरेंस होगा। 18-20 क्यों बोला? तो यहाँ पर एक नंबर मैंने यहाँ पर UI का काटा है। सैमसंग के अंदर देखो यहाँ पर UI की चर्चा होगी तो यहीं पर कर लेते हैं, मतलब जो इनका सॉफ्टवेयर होता है। तो जो A9 Plus है उसके अंदर आपको 1 UI का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि 6 करंटली चल रही है। और दोस्तों यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म्स तक अपडेट्स भी देखने को मिलते रहेंगे सैमसंग के अंदर, डेफिनेटली ये चीज़ है। लेकिन लिनोवो के अंदर क्या है कि यहाँ पर आपको काइंड ऑफ प्योर स्टॉक एंड्रॉइड वाला सिस्टम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एंड्रॉइड 14 या 13 रन कर रहा है, जो कि दोस्तों यहाँ पर प्योर स्टॉक एंड्रॉइड है। यहाँ पर लिनोवो की टैबलेट्स के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा ब्लोटवेयर वाले फीचर्स नहीं होते हैं, और ना ही कई सारे ब्लोटवेयर्स वाले यहाँ पर काइंड ऑफ कह सकते हो कि UI के अंदर बहुत ज़्यादा कोई हैवीनेस है। सो कहीं ना कहीं जो लिनोवो की UI है वो क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड वाली UI देखने को मिल जाती है। लेकिन फीचर्स की बात करोगे तो कहीं ना कहीं सैमसंग के अंदर देखने को मिल जाते हैं। अब इन दोनों में अपने अपना प्रोज एंड कॉन्स है कि सैमसंग के अंदर आपको ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, लिनोवो के अंदर आपको एक क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलता है, तो मिनिमल से फीचर्स होंगे और काफ़ी यहाँ पर क्लीन टैबलेट दिखती है। तो आपके ऊपर है कि कौन सा चूज़ करना चाहो। बाकी परफॉर्मेंस में दोनों मतलब 18-20 जैसे मैंने बताया, बहुत ज़्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं होने वाला है। इसके अलावा बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी टैब A9 Plus के यहाँ पर कैमरास की। तो दोस्तों कैमरास टैबलेट्स में आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा कुछ मैटर करते हैं। यहाँ पर वही, यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल के कैमरास वगैरह देखने को मिल जाते हैं बैक में, और लगभग यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का फ्रंट में। लिनोवो के अंदर भी काइंड ऑफ सिमिलर सेटअप है, जो कि मेरे हिसाब से टैबलेट्स में बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। आपको कैमरास ऑलमोस्ट सिमिलर सी क्वालिटी के देखने को मिलते हैं, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बाकी बात करते हैं यहाँ पर सैमसंग के यहाँ पर स्पीकर्स की, तो क्वाड स्पीकर्स का सेटअप का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। लिनोवो के अंदर भी आपको यहाँ पर आपको क्वाड स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, तो कौन से बेस्ट है?
सो अगेन दोस्तों यहाँ पर स्पीकर्स क्या है कि जो सैमसंग है ना वो थोड़े से अच्छे ऑप्टिमाइज करता है। लिनोवो के अंदर कई बार क्या होता है कि कहीं पर तो आवाज़ इतनी अच्छी आती है कि लगता है यार अच्छे स्पीकर्स हैं, कहीं पर लगता है कि यार ये आवाज़ थोड़ी सी कम क्यों आ रही है। लेकिन मैं कह सकता हूँ यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं सैमसंग के स्पीकर्स हल्के से बेटर होते हैं। बाकी यहाँ पर आपको 3.5 mm का जैक वगैरह और ब्लूटूथ का सपोर्ट तो देखने को मिलता ही है, जिसके थ्रू आप वायरलेस अपने नेक बैंड्स और जो ट्रू वायरलेस आप यूज़ करते हो वो सब आप कनेक्ट कर पाओगे। इवन दो डिवाइस आप कनेक्ट कर सकते हो। सो ये बात होगी दोस्तों यहाँ पर स्पीकर्स की। अब बात करते हैं दोस्तों इनके कनेक्टिविटी ऑप्शंस की। तो यहाँ पर आपको जैसे कि दोनों ही टैबलेट्स के अंदर नेटवर्क्स में 5G का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, लेकिन लिनोवो टैब M10 5G के अंदर आपको 5G वाला ही वेरियंट देखने को मिलता है, जबकि A9 प्लस के अंदर आपको वाईफाई प्लस 5G दोनों वेरियंट्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम 5G वाले को कंसिडर करें तो यहाँ पर दोनों के अंदर 5G का सपोर्ट है और यहाँ पर आपको लेटेस्ट वाईफाई देखने को मिल जाता है ड्यूअल बैंड वाला, जिससे आप दो इजी तरीके से वाईफाई के थ्रू इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। ब्लूटूथ भी लेटेस्ट वाला देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट की कनेक्टिविटी दोनों में ही देखने को मिल जाती है। सो ये भी चीज़ काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपको ओवरऑल देखने को मिल जाती है। अब बात आती है कि निकल कर यहाँ पर दोस्तों ओवरऑल मतलब ये टैबलेट कैसे देखने को मिलती है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बैटरी का और बता दूँ, दोनों ही टैबलेट में आपको सेम सी बैटरी देखने को मिलती है 7000 mAh की, तो बहुत ज़्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं होने वाला है। लेकिन फाइनली बात आती है कि कौन सी टैबलेट बेस्ट है अगर मुझे एक 5G टैबलेट लेनी है। मेरा मन है कि 5G है, लेकिन सैमसंग वाली लगभग 24,000 rupees में मिलती है 464 वाली, और यहाँ पर जो लिनोवो की है लिनोवो टैब M10 5G 6128 वाली, तो कभी तो ये आपको 23 में देखने को मिलती है, कभी कभी 18 तक भी पहुँच जाती है, 18,000 की बात कर रहा हूँ। सो दोनों में से कौन सी बेस्ट है? सो यहाँ पर आंसर सिंपल सा है, लिनोवो के अंदर एक एज देखने को मिलती है जो कि है स्टाइलस की, जो कि मैंने अभी तक आपको बात नहीं बताई थी। लिनोवो के अंदर प्रॉपर एक्टिव स्टाइलस का आपको सपोर्ट देखने को मिलता है, और इसका स्टाइलस अलग से आप 3-4 हज़ार में आता है लिनोवो का ऑफिशियल स्टाइलस, जो कि यहाँ पर एक्टिव पेन की तरह वर्क करता है, यानी पाम रिजेक्शन के साथ वर्क करता है। सो लिनोवो की टैबलेट यहाँ पर भी बेटर निकल कर आती है, जबकि A9 प्लस के अंदर काफ़ी लोग सर्च करते रहते हैं काइंड ऑफ स्टाइलस के लिए। लिनोवो जो सैमसंग A9 प्लस है उसके अंदर किसी भी प्रकार के एक्टिव स्टाइलस का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। दूसरा फायदा लिनोवो की टैबलेट में डिस्प्ले को लेकर ही है, जो कि मैंने बताया कि बेटर डिस्प्ले का सपोर्ट है। तीसरा यहाँ पर प्राइस को लेकर है। फोर्थ मेरे हिसाब से क्लीन UI को लेकर है, क्योंकि मुझे पसंद नहीं कि मेरे टैबलेट में फीचर्स वाले एक दो कम हो, लेकिन ये नहीं कि फालतू के ब्लॉट बेयर्स और अपडेट्स के साथ यहाँ पर हो रहे हैं। डेफिनेटली सैमसंग में अपडेट्स देखने को मिलेंगे सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से भी, कहीं ना कहीं अगर आप कह सकते हो कि लेटेस्ट सिक्योरिटी फीचर्स अपडेट्स वगैरह आपको सैमसंग में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वो आपकी चॉइस के ऊपर है। तो मुझे तो चूज़ करना हो तो मैं तो भाई यहाँ पर लिनोवो चूज़ करूँगा, लेकिन अगर आपको चूज़ करना हो तो आप अपनी रिक्वायरमेंट देखिएगा। अगर आप ऐसे बंदे हो जिसको मतलब ब्रांड से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि मुझे सैमसंग का ही एक ब्रांड वैल्यू चाहिए, साथ में लॉन्ग टर्म तक अपडेट्स चाहिए और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है इतना सब चीज़ों से, लेकिन मैं ब्रांड के पीछे भागता हूँ, तो डेफिनेटली आप सैमसंग की टैबलेट चूज़ कर सकते हो। ऐसे उसमें कोई बुराई नहीं है। सो आई होप आप समझ गए होंगे। दोनों ही टैबलेट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप दोस्तों करंटली वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद है तो प्लीज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियोस देखने के लिए थैंक यू सो मच।